1914 में वॉर शुरू होने के 3 हफ्ते के अंदर ही इंडियन ट्रूप्स को इन्वॉल्व कर दिया गया था और इंडियन आर्मी की लाहौर और मेरठ डिवीजन को वॉर के ऑपरेशंस के लिए चूज किया गया था। बहुत कम ट्रेनिंग और इनएक्युएट इक्विपमेंट पे इंडियन आर्मी ने वेस्टर्न फ्रंट्स पे बैटल ऑफ एवरेस्ट में पार्ट लिया। ये बैटल 9 और 10 नवंबर 1914 को लड़ी गई थी। वेस्टर्न फ्रंट्स पे इंडियन आर्मी की बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई थी, जिनमें इंडियन आर्मी के ब्रिटिश ऑफिसर्स भी शामिल थे, और ये ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने इन ट्रूप्स को कमांड किया था और ये हिंदी जानते थे, और ऐसे ऑफिसर्स इतने कम टाइम फ्रेम में रेडी करना पॉसिबल नहीं था, तो इस बात का फ्यूचर लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा इंडियन ट्रूप्स पे। 1915 में इंडियन आर्मी को वेस्टर्न फ्रंट से विड्रॉ करके मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया गया था। इंडियन आर्मी के लगभग 7 लाख ट्रूप्स ने मेसोपोटामियन में तर्क के खिलाफ मोर्चा संभाला था। इस बैटल के अलावा बैटल ऑफ न्यू चैपल फ्रांस, बैटल ऑफ गैलीपोली, बैटल ऑफ तांगा ईस्ट अफ्रीका और बैटल ऑफ हाइफा में भी इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। बैटल ऑफ हाइफा को सिनाई और पैलेस्टाइन में लड़ा गया था और ये बैटल ऑटोमैन एम्पायर की लास्ट बैटल थी, जिसके बाद ऑटोमैन एम्पायर कोलैप्स कर गया था।